ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा आप सभी को धनवत् प्रणाम भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृद्ध का स्वागत है हम सभी यहाँ पर आज दो सौ सत्र में 218 सेशन में वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शूल्य प्रभुपात के द्वारा रचित सारी तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं पिछले सत्रों की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में बात करें तो स्कंद चार अध्याय दो जिसका नाम है दक्ष द्वारा शिवजी को श्राप इसमें हमने करीब अठारह उन्नीस प्रथम अठारह उन्नीस श्लोकों का श्रवण और पठन किया था विदुर की जिज्ञासा थी क्योंकि अध्याय एक की समाप्ति पर मैत्री मुनि ने विदुर को बताया कि सती और दक्ष दक्ष की पुत्री सती जिनका विवाह महादेव के साथ हुआ था उनसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी सती को पिता के यज्ञ में देह त्याग करना पड़ा था तो विदुर की जिज्ञासा थी कि ऐसा कैसे हो सकता है श्लोक संख्या चार से लेकर आठ तक मैत्रेय मुनि ने उस यज्ञ का वर्णन किया था जो दक्ष द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें सृष्टि के अग्रगण्य नायकों द्वारा इस यज्ञ की भूमिका को रचा गया था श्लोक संख्या नौ से लेकर उन्नीस तक के श्रवण में हमने जाना कि किस प्रकार दक्ष अपने प्रभुत्व के मद में महादेव क्यों की स्थिति को सही तरीके से आकलन न कर पाने के दुराग्रह में शिव के भगवान के ध्यान में निमग्न होने की वजह से दक्ष द्वारा सभा में प्रवेश करने पर खड़े न होने की स्थिति में दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान किया गया अनेकों प्रकार के शाप प्रतिशाप का यहाँ पर क्रम आरंभ होने जा रहा है जिसे हम आज के सत्र में श्रवण करने जा रहे हैं तो पहले ही संदर्भ पृष्ठभूमि भूमिका और विषय की पुनरावृत्ति इसलिए प्रस्तुत की जा रही है ताकि हमें इस सत्र का जो आयोजन है उसका हेतु पता चल सके सदैव की तरह हम सत्र को मंगलाचरण के कुछ श्लोकों से आरंभ करेंगे और तत्पश्चात श्रीमद भागवतम के श्लोक दर श्लोक का वाचन करते हुए श्ल प्रभुपात के तात्पर्यों के माध्यम से इस विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और तत्पश्चात श्रीमद भागवतम के श्लोकों का पाठ करते हुए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थोयभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम् नष्टि प्रायेश्व भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षु उन्मिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा वन्दे परमानन्द माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि भक्त भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरी हरे कृष्णा पुनः आप सभी को सादर प्रणाम आज का सत्र आरंभ करते हैं स्कंद चार अध्याय दो श्लोक संख्या उन्नीस से तो श्लोक संख्या उन्नीस से लेकर पैंतीस तक की जो विषय सूची है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं श्लोक संख्या 19 जहां पर समाप्त हो रहा है वहां दक्ष श्राप देकर क्रुद्ध भाव में ऐसे यज्ञ में जिसके अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे वहां से निकल जाता है श्लोक संख्या 20 से लेकर 26 तक नंदीश्वर द्वारा दक्ष और उसके सहयोगियों को प्रत्युत्तर दिया गया है 27 से 32 तक भृगु द्वारा महादेव के अनुयायियों को श्राप है और 33 34 35 में शिव जी का जाना और दक्ष का दक्ष के शिव जी और दक्ष दोनों के चले जाने के बाद यज्ञ का ये प्रकार संपन्न होने है तो हम लोग वाचन करेंगे एक एक श्लोकों का जिनके पास पुस्तक है सदैव की तरह मेरा आग्रह रहेगा कि संस्कृत के इन श्लोकों का वाचन करें अपने पुस्तक के संग में शिल प्रभुपात के तात्पर्य के सार्वग्राही बिंदुओं को स्व अध्याय करते हुए इस सत्र के पश्चात अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं श्लोक उन्नीस में कहा गया निषेध्यमान सदस्य मुख्य दक्षो गिरी सापम साप तस्माष्क्रम्य विवृद्ध मनो जगाम कौरव्य निज निकेत मैत्रेय ने आगे कहा हे विदुर उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को श्राप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया तो दक्ष मनोवृत्ति के बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी दक्ष मनोवृत्ति वो है जो स्वयं के अहंकार में स्वयं के प्रबुद्ध मत में नीति अनीति उचित अनुचित का भली प्रकार भी ना कर पाए और सज्जनों और सादगी और विनम्रता प्रिय व्यक्तित्वों की पहचान ना कर सके तो वहां जितने ऋषि पवित्र साधु पुरुष एकत्र हुए थे, उन सभी ने अनुरोध किया कि ऐसा ना करें ऐसा ना करें पर वो क्रुद्ध होकर छोड़कर चला गया कि इस उच्च पद के कारण गर्वित होकर कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है ब्रह्मा जी जो इस पद की अध्यक्ष जो इस यज्ञ की अध्यक्षता कर रहे हैं उन्होंने भी कहा नहीं जाने के लिए तो भी दक्ष ने उनका भी कोई मान नहीं रखा तो ये निष्ठुर क्रोध कहा गया इस प्रकार के क्रोध को जो दूसरे अपने मान के मद में दूसरे के मान का ध्यान ना करे ऐसा मध निकृष्ट कोटि का मध है भगवत गीता का उल्लेख करते हुए शिल प्रभुपाद ने कहा यदि मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में ठोस उन्नति करना चाहता है ठोस उन्नति तो काम क्रोध और लोभ तीनों से उसे बचने का प्रयास करना है और यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि इस प्रकार के क्रोध की तुलना प्रमत्त हाथी से की गई है जो जैसे प्रमत्त हाथी कुछ भी करने के लिए उद्दत हो जाता है वैसे ही जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव का अपमान करने के लिए आतुर हो जाए तो समझ लीजिए अब वो कोई भी घृणित से घृणित कार्य भी कर सकता है तो ऐसी ऐसे क्रोध को प्रवत्त हाथी की तुलना के समकक्ष कहा गया है तो दक्ष यहां से निकल जाते हैं सभागार से किसी की भी परवाह किए बिना किसी के भी वचनों पर ध्यान दिए बिना विज्ञा शापम गिरीशानु नंदीश्वरो दूषित दक्षा शापम ये सर्ज दुणम ये चान्वोदाच्यता यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था शाप देने की तैयारी कर ली तो हमारे नंदीश्वर जो कि शिव जी के प्रमुख पार्षद हैं वो इस प्रकार के कटु वचनों को ना ले सके और वैसे भी कहा गया है जहां भगवत निंदा हो वहां या तो यथाशक्ति विरोध करना चाहिए और यदि विरोध करने की क्षमता ना हो सामर्थ्य ना हो तो उस स्थान से हट जाना चाहिए वहां रहकर उसको सुनना वास्तव में ब्रह्म हत्या के समान पापकारी गया तो नंदीश्वर इस श्राप से बहुत प्रभावित हुए भगवान शिव चले गए वहां से पर नंदीश्वर ने इसका अनुकरण नहीं किया भगवान शिव यदि चाहते तो वो भी दक्ष को श्राप दे सकते थे लेकिन वे शांत बने रहे तो अनुयायी होने के कारण नंदीश्वर ने कहा यह उचित नहीं है कि मैं अपने स्वामी की निंदा सहन करूं पर शिल प्रभुपात कहते हैं कि आचार्यों का यह भी कहना है कि उन्हें वहां उपस्थित ब्राह्मणों को श्राप नहीं देना चाहिए था इससे सारा मामला उलझ गया तो जो अधिक बलशाली नहीं थे वे अपने पदों को भूल गए और इस प्रकार सभा सभा में श्राप प्रतिश्राप का क्रम आरंभ हो गया तो जगत की अस्थिरता का वर्णन है कि जब अपने को इसीलिए समस्त कार्यों की संतुष्टि समस्त कार्य कब कहे जाते हैं कि सिद्ध हो जाता है जब उसमें भगवान की संतुष्टि की प्रेरणा होती है जब स्वयं की संतुष्टि की प्रेरणा होगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई असंतुष्ट होगा तो दक्ष ये जो यज्ञ कर रहे थे ये भगवान की प्रसन्नता करने ये अपने प्रभुत्व को अग्रगणी नायक लोग अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए संतुष्टि के लिए कर रहे थे और इस अस्थिर जगत का ऐसा प्रभाव हुआ कि नंदीश्वर दक्ष ब्राह्मण सभी इस रोष के इस क्रुद्धता के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके तो नंदीश्वर श्राप देंगे नंदीश्वर श्राप कैसे दे रहे हैं श्लोक संख्या इक्कीस में है भगवत दृष्टि भवे जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा तो नंदीश्वर नंदीश्वर क्या श्राप दे रहे हैं जो दक्ष का समर्थन कर रहा है उसने अज्ञान वर्ष इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया है और चूंकि दक्ष को दिव्य दिव्य ज्ञान ज्ञान नहीं था अतः उसके समर्थन करने वाले वाले भी ज्ञान से विहीन हो जाने हैं तो कहने का अभिप्राय है कि नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष के समान जो अन्य भौतिकतावादी व्यक्ति हैं जो शरीर को सब कुछ मानेंगे जो शारीरिक सुख सुविधाओं पर ही अपना ध्यान मान और सभी प्रकार का क्रियान्वयन समर्पित कर देंगे जो आत्मा से भिन्न स्थिति है उसको वो उस, उससे विलक करके शरीर में ही आसक्त हो जाएंगे ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस प्रकार वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी विमुख होगा तो जब हम कहते हैं कि क्यों हमें बोध नहीं होता, नहीं होता होता इसलिए है है क्योंकि यदि हमारा शारीरिक शरीर की और इंद्रियों की प्रति आसक्ति तो नंदीश्वर का श्राप है कि हम आत्मज्ञान की तरफ आत्मिक तुष्टि की तरफ भगवान की प्रसन्नता की तरफ इस बोध से विमुख हो जाएंगे तो पहला श्राप दिया है कि जो दक्ष की तरफ अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठेंगे वो इस ज्ञान से भगवान के दिव्य ज्ञान से भगवान की स्मृति से विमुख हो जाएंगे धर्मेशु गृहेशुकूट धर्मेशया कर्म तंत्रु वितनुते वेदवाद विपन्नधि जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है तो वर्णन किया गया है कि जब गृहस्थ जीवन में कोई कपटपूर्ण धार्मिक कार्य तो कपटपूर्ण धार्मिक कार्य का अर्थ क्या हुआ इंद्रिय सुख के प्रति आसक्ति के भाव से जब कोई इस प्रकार का कार्य करेगा या वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होगा वेदों का अंतिम सार क्या है वेदों का अंतिम सार है भगवान के बारे में भगवान के प्रति भगवान के चरणों में अपनी अनुरक्ति को सुनिश्चित करना इसके अतिरिक्त वेदों का जो भी ज्ञान है जिसके प्रति जीव आकृष्ट हो रहा है सकाम कर्म के परिणाम स्वरूप फल में क्या आनंद भोग सकते हैं जो इसके प्रति आकर्ष आकर्षित हो रहा है नंदीश्वर का कहना है कि उसकी सारी बुद्धि हड़ली जाएगी और वो सदा सर्वदा के लिए सकाम कर्म में ही प्रवृत्त रहेगा ऐसे ने ऐसे ने सुख सुख को ग्राम में लिखा अर्थात भौतिक सुख लिखा है इसमें शाश्वत आनंद में आध्यात्मिक जीवन का कहीं कोई पता नहीं है सुंदर से सुंदर पदार्थ बनाए लेकिन जिसने वो पदार्थ हमें दिए हैं उसके प्रति हम हम कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हमने हमारे जीवा को स्वाद लेने का मन हुआ हमने रसोई घर में बनाया बाहर से मंगाया और खा लिया भगवान के प्रति कहीं कृतज्ञता ही नहीं बुद्धि हर ली गई है क्योंकि जीवन भौतिक आसक्ति इंद्रिय आसक्ति के प्रति अनुरक्त हो चुका है तो ये जो ज्ञान की स्मृति है ये विस्मृत हो जाती है जब कोई दक्ष की तरह केवल शरीर को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आत्म तत्व से स्वयं को विहीन कर देता है तो ये नंदीश्वर का पहला श्राप है श्लोक संख्या तेईस में बुद्धया पर अभिध्या गति पशु स्त्री काम सह अस्त स्त्री काम सह अस्तु अस्तु दक्षो बस्त मुखोचिरा बुद्धया पर विस्मृतात्म गति पशु त्री कामो सोअस्तित राम दक्षो बस्त मुखो चिरात दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है इसने विष्णुपाद अथवा विष्णुगति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा तो दक्ष को यह सीधा श्राप है नंदीश्वर का कि जब विष्णु गति को पाद विष्णुपद को भुलाकर केवल और केवल सांसारिक आ सकती स्त्री संभोग यहाँ पर आदर्श गृहस्थ या शास्त्र अनुमोदित गृहस्थ जीवन के बारे में नहीं कहा गया है अत्यंत ही कामुक मानसिकता के व्यक्ति के रूप में दक्ष का यहाँ पर वर्णन हुआ है कि सदैव स्त्री संभोग में लिप्त रहते हैं तो क्या होगा बकरे का मुंह प्राप्त होगा आगे नंदीश्वर का श्राप श्लोक संख्या चौबीस में विद्या बुद्धि अविद्याम कर्मय संसरंतु इह ये चामु अनुशर्व अवमानीनम विद्या बुद्धि अविद्याम कर्म मय्याम सौजड संसरंतु इह ये चामो अनुशर्व अवमानिनम जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की बात जड़ बन चुके हैं वे अज्ञान वश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं ऐसे मनुष्य ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे तो ये जो श्राप है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहने का आत्मज्ञान से रहित होने का भौतिक विद्या में संलग्न रहने का ये वर्णित है ये नंदीश्वर ने शिव जी का अनादर करने के शिव जी क्या है शिव जी जो जड़ है हमने अभी इसी अध्याय में पढ़ा था चराचर जड़ जंगम को भी जो आश्रय देने वाले हैं तो वैसी जड़ बुद्धि हमने क्या कहा ये सबका कल्याण कौन करता है शिव जी तो इसीलिए कहा गया जो इस तत्व से स्वयं को विहीन रखेगा उसको अंततः क्या करना पड़ेगा शिव जी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी तो ये श्राप दक्ष के माध्यम से दक्ष की प्रवृत्ति वाले समस्त मानव जाति के लिए है श्लोक संख्या 25 में नंदीश्वर महाराज कहते हैं गिर पुष्पिण्या मधु गंधे नोन्मथितात्मा नोतु हर दिष मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिव द्रोही वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहें तो उच्चतर लोगों की पहुंचने की जो वैदिक प्रतिज्ञा है नंदीश्वर इसे क्या कहते हैं ये पुष्पमय अलंकरण से विभूषित की गई है जैसे पुष्प में एक निश्चित सुगंधी होती है पर पुष्प की स्वयं बहुत अधिक आयु नहीं होती पुष्प में मधु होता है पर वह भी शाश्वत नहीं होता उसी प्रकार जो सकाम कर्म के द्वारा बड़े बड़े सुख भोगने की वैदिक प्रतिज्ञाएं हैं वो जीव को सदैव जन्म मृत्यु के बंधन में आबद्ध रखने के लिए क्यों क्योंकि जब जब भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि देवताओं के भी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं तो वो मर्तलोक में किसी माँ की ऐसी सुंदर कोख देखते हैं जहां ऐसा घर देखते हैं जहां पर भगवत भक्ति और आत्म तत्व को समझने के लिए अनुकूल वातावरण कहने का अभिप्राय है कि इस धरती पर सकाम कर्म करके उच्च लोकों की कामना करने वाले जीवों को वहां पहुंचने के उन उच्च लोकों में पहुंचने के पश्चात शास्त्र बताते हैं कि पुण्य फल समाप्त होने पर पुनः इसी मर्त लोक में या अन्य लोक में आना पड़ता है क्यों क्योंकि आपके पुण्य कर्म का कोटा वहां पूरा हो चुका है तो इसलिए ये जो पूरा जीवन इतना बहुमूल्य मिला उसमें सकाम कर्म करके उच्च लोगों को जाने की ये जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा गया अलंकरणमयी भाषा है ये पर ये उसी प्रकार है जैसे पुष्प की सुगंधी जैसे वो ज्यादा समय तक नहीं रहती वैसे ही अन्य लोगों का भोग भी अधिक समय तक नहीं रहेगा एक निश्चित समय अंतराल पर तनिक देर होगा लेकिन एक निश्चित समय अंतराल पर वापस आना पड़ता है इसलिए आचार्य भक्ति को श्रेष्ठत्व की पदवी पे सुशोभित करते हैं क्योंकि भक्ति से जो भगवान का मार्ग प्राप्त होता है वहां से जीव को पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता श्लोक संख्या 26 में सर्व भक्षा द्विजा वृत्त विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरती वह ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रत आदि का आश्रय लें इन्हें भक्ष्य भक्ष्य का विवेक न रह जाए ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन प्राप्त करें तो नंदीश्वर ने जो दक्ष को समर्थन करने वाले ब्राह्मण थे उनको तीसरा श्राप दिया वो कलयुग के लिए यहाँ पर लिखा है विशेष रूप से प्रभावी होता है पुनः ब्राह्मण शब्द यहाँ पर फिर से जो वैदिक जातिगत व्यवस्था में पर ब्रह्म के स्वरूप को तथा कथित ब्राह्मण जो पर ब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं लेकिन ब्रह्म विषय ज्ञान की उन्हें सूचना है उनके बारे में प्रयुक्त किया गया है तो वेदांत सूत्र में कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा श्री प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य जीवन पर ब्रह्म की अनुभूति के लिए मिला है ऐसा वेदांत कहते हैं जीवन का मनुष्य जीवन का विशेष रूप से उद्देश्य ब्राह्मण पद तक अपने आप को उठाना होता है लेकिन आधुनिक ब्राह्मण तथा कथित ब्राह्मण परिवार अब यहाँ पर किसी को भी अपनी व्यक्तिगत आलोचना लेने की आवश्यकता नहीं है शिल प्रभुपात और शिल प्रभुपाद के पूर्ववर्ती आचार्यों में सभी ने इसकी संस्तुति की है यदि जैसे कई बार स्कूल से कॉलेज से ऑफिस से सोसाइटी से हमें नोटिस आती हैं ये बिल पे करना है इस प्रकार का आपको शुल्क जमा करना है यदि आपने पहले ही कर दिया है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं उसी प्रकार जो जातिगत गुण कर्म या तो जातिगत ब्राह्मण है या कर्म स्वभाव वाले ब्राह्मण है दोनों के लिए ये समान रूप से लागू होता है कि यदि आप ऐसा आचरण नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि जो ऐसा आचरण कर रहे हैं कैसा आचरण जैसा यहाँ नंदीश्वर के श्राप के द्वारा बताया गया है तो समझने की आवश्यकता ये है कि क्या ये जो लक्षण बताए गए हैं वो हमारे जीवन में है अथवा नहीं है तो ये अवलोकन के लिए यहाँ किसी जाति का यहाँ किसी समूह का वर्ग का अपमान नहीं किया जा रहा है यहाँ शास्त्र की भाषा में आचार्यों की सम्मति से उस अवस्था का वर्णन किया गया है जब यदि हम देखें कि कोई ब्राह्मण भक्ष्य भक्ष्य का भोग आ, विचार किए बिना भोग लगा रहा है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है जब हम ये देखें कि ब्राह्मण दरिद्र स्वरूप का अपने अनुचित लाभ उठा रहा है ब्राह्मण वेद शिक्षा को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है तो इस विषय को कैसे समझे कैसे कोई ब्राह्मण होके ऐसा कर सकता है उसके लिए यहां पर उल्लेख किया गया है कि यदि ऐसा कुछ देखने को कलयुग में मिले तो विचलित नहीं होना चाहिए धर्म पर हमारी अनास्था नहीं होनी चाहिए धर्म शाश्वत है पर धर्म का पालन करने वाले तथा कथित लोग यदि ऐसा करते हुए दिखते हैं तो हमें नंदीश्वर के श्राप का स्मरण करना चाहिए कि वास्तव में जब कोई अपने इस कर्तव्य से शास्त्र को सही प्रकार से समझने के कर्तव्य से च्युत हो जाता है तो नंदीश्वर का ये श्राप वहां पर फलीभूत हो जाता है तो उनके लिए यहां पर वर्णन किया गया है चैतन्य महाप्रभु ने के शब्दों को यहाँ पर कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच के संवाद में कहा गया है कि मनुष्य चाहे जन्म से ब्राह्मण कुल में हुआ हो या शुद्ध कुल में चाहे वो गृहस्थी हो या सन्यासी हो यदि वो कृष्ण का विज्ञान जानता है तो वो गुरु बन सकता है यहाँ पर सूत गोस्वामी वैश्य है हम सबको पता है जन्म से जन्मगत चाहे हमारे हरिदास ठाकुर हो चाहे रामानंद राय हो चाहे सभी गोस्वामी हमारे षठ गोस्वामी हो कोई जन्मगत ब्राह्मण नहीं था ये ब्राह्मण समाज से च्यूत थे किंतु चैतन्य महाप्रभु ने इनके उच्च कोटि के गुणों का अवलोकन करके उसको प्रबुद्ध करके इन्हें परम वैष्णव बना दिया तो गुण कर्म और स्वभाव हमारे जीवन में बहुत महत्व तो का है और उसी के सापेक्ष ये विषय यहाँ पर उल्लेखित किया गया है श्लोक संख्या 27 में तो नंदीश्वर के ये तीन श्राप हो चुके हैं अभी तक ने बताया कि किस प्रकार से आसक्ति में रहने वाला अपनी वास्तविक स्थिति भूलेगा कैसे वो जड़ पत्थर बुद्धि हो जाएगा और कैसे वो श्री विहीन हो जाएगा द्वार द्वार भिक्षा मांगेगा असली ज्ञान को विस्मृत कर चुका रहेगा श्लोक संख्या 27 में तह शापम श्रुवा द्विजकुलाय व भृगु प्रत्यसृजापम ब्रह्म दंडम दुरत्ययम इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की, की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म श्राप दे दिया तो भृगु मुनि का अब यहाँ पर किरदार अभिनय आया है भृगु मुनि यदि मैं गलत नहीं हूँ यदि मुझे सही तरह से कथा स्मरण है आप लोग सही भी कर सकते हैं यदि मैं कुछ गलत कहूं तो शायद भिगु मुनि है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन श्रेष्ठ है इसके लिए तीनों लोगों का अवलोकन किया और जब उन्होंने भगवान की छाती पर प्रहार किया तो भगवान ने उनका चरण कमल अपने कर कमल में लेकर कहा कि मेरे इस कठोर स्थान पर घात करने से आपको कष्ट तो नहीं हुआ अगर मैं गलत नहीं हूं तो भ्रिगुमुनि तो वही है यहां पर तो वो दुरत्यय शब्द ब्रह्मदंड ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप को यहाँ पर उल्लेखित किया गया श्लोक संख्या 27 में हमारी विषय सूची के अनुसार 27 से 32 तक अब भृगुमुनि का श्राप आएगा तो भृगुमुनि ने कहा भर्सना की है उन्होंने कई बहुत सारे अनुचित वचन आने वाले उन, श्राप आने वाले हैं और उन्होंने शिव के उपासकों के लिए जो शिव के अनुयायी हैं उनके लिए अब श्राप देने की प्रक्रिया आरंभ की है तो हम सभी को बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनना है, बहुत ही गंभीरता सुनना है किसी को कुछ भी अनुचित लगे तो आप लोग निश्चित रूप से अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं श्लोक संख्या 28 में भववृतरा ये, ये पाशंडिनाते भवन्तु, सत शास्त्र भव व्रत धरा ये, ये सम अनुव्रता पाषंडीन तेतु सत्स्त्र परिपंथिना जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा बहुत ही विरोधा पंक्तिया है ये। और देखा तो इनमें है इनमें समानता भी है। शिव तत्व का जो विस्तार है भगवान कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वो जो समाज में निष्कृत है बहिष्कृत है जिनकी विष्णु तक उपासना करने की अभी अभिरुचि नहीं आई है उनको शिव जी आश्रय दे रहे हैं और ये ये हम सबको पता है हमने श्रवण किया और अब यहाँ पर भृगुमुनि भी कह रहे हैं कि जो शिव की उपासना करेंगे वो क्या होंगे निश्चित रूप से नास्तिक होंगे उनका आचरण दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध करने वाला होगा और ऐसे नियमों का वो पालन करेंगे जो कि सभ्य सुशील लोगों द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो शिव जी के ऐसे भक्त सरिपंथिन शास्त्र के निष्कर्षों के विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे शिल प्रभुपात बताते हैं कि भृगु मुनि के इस श्राप की पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है श्री भगवान द्वारा शिव जी को आदेश दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से कि निर्विशेषवाद दर्शन का उपदेश दें जैसे कि कलयुग में भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन को प्रस्तुत किया है तो जहां उन्होंने कहा कि आ, यदि हम स्मरण कर सकते हैं जहां उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जहां उन्होंने वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत के उपदेश दिए हैं तो पुराण का भी पुनः यहाँ पर उल्लेख दे रहे हैं शिला प्रद और कहते हैं शिव जी ने पार्वती जी से कहा है कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे मायावाद क्या है कृष्ण के रूप गुण नाम लीला और स्वयं कृष्ण पर संशय करना है भगवान यदि जीव जानेगा और विश्वास करेगा कि भगवान है तो वो अपने आप को सभी वेद विरुद्ध कर्मों से परामुख रखेगा पर जिस क्षण हम ऐसा नहीं करते हैं मायावादम असत शास्त्रम असत शास्त्रम का अर्थ हुआ निर्विशेष सिद्धांत मायावाद का तो भृगु मुनि ने यहाँ पर श्राप दिया है और उस श्राप के फलीभूत क्रम में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि कलयुग में वो मायावाद दर्शन का प्रतिपादन करेंगे निर्गुण तत्व का प्रतिपादन करेंगे भगवान शरीर ऐसे मनुष्य की शरीर वाले नहीं है, है कहीं कोई शक्ति है पर ऐसी नहीं है जैसी मैया यशोदा ने कान्हा के साथ बिताई है ऐसी नहीं है जैसी कौशल्या ने राम के साथ बिताई है तो माता कौशल्या माता यशोदा के इस भाव का मायावाद दर्शन निर्गुण निराकारवाद खंडन करता है और ये ये यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं किसके कारण है भृगु के श्राप के कारण तो भृगु भी भगवान के हाथ की पुतली है अस्तित्व में रहेगा इसके लिए भगवान ने अपने पार्षद को चुना है और नंदीश्वर का श्राप हो चाहे भृगु का श्राप हो हम देख सकते हैं कि भगवान शिव जो समाज के निकृष्टतम व्यक्ति हैं उनके लिए साधना स्वरूप प्रतिकृति है वो अपनी अपनी कृपा का अनुग्रह च उनको देते हैं और क्रमशः विस्तार करते हुए जीव उनकी उपासना करते करते सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के समीप आ जाता है तत्पश्चात श्लोक संख्या उन्तीस में ये भिगु का श्राप ही चल रहा है अभी नष्ट शौचा धियो जटा भस्मा धारिण विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवं नष्टि मूढधियो जटाभस्मास्ति धारिण <coughs> विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवं जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने ही होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा मांस तथा ऐसी वस्तुएं अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं तो कई बार लोग भगवान शिव की आड़ लेकर अनियमित जीवन बिताने लग जाते हैं मदिरा मांस खाना लंबी लंबी जटाएं रखना नित्य स्नान न करना गांजा पीना दिव्य ज्ञान का जो स्वभाव है मनुष्य का उससे विहीन हो जाते हैं तो श्रील यहां उस असनातनी व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान शिव की उपासना करने का ये अर्थ हुआ ये वास्तव में सत्य नहीं है तो मदिरा ताड़ी ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर शिवागम शिव आराधना विधि शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान शिव की पूजा के नाम पर इस प्रकार का आडंबर करते हैं इसी श्रीमद् भागवतम में आगे वर्णन आएगा कई बार हमें ऐसा लगता है कि माता काली की उपासना करने के लिए या वो तो मांस ग्रहण करती है कहीं कहीं किसी किसी मंदिर के अपने नियम है अनुष्ठान है पर उसके पीछे पूरी कथा वर्णित की गई है पर सामान्यतः इसी श्रीमद भागवतम में हम श्रवण करेंगे कि ऋषभ देव का वर्णन आएगा इसी भागवतम में जड़ भरत का वर्णन आएगा जड़ भरत जब राजा के साथ संवाद करते हैं उससे पहले जड़ भरत को चोर उचक्के कथा हम यहाँ पर संक्षिप्त में नहीं कहेंगे कथा पूरी विस्तार में पूरा अध्याय समर्पित है उसके लिए जहाँ पर जड़ भरत को कुछ चोर उचक्के आप माता काली की उपासना में प्रसन्नता के लिए उनके सर को धर से अलग करके बलि चढ़ाने ले जाते हैं माता काली स्वयं उपस्थित होती है कहती है ये भगवान का भक्त है ये भगवान का भक्त है ऐसा अन्याय आचरण माता ने वहां पर अपने तथा कथित भक्तों का ही उद्धार किया है और जड़ भरत की रक्षा की है तो इस प्रकार का अनियमित जीवन किसी भगवान किसी देवी किसी आ, देवता और शिव के नाम पर गाजा पीना ताड़ी पीना कई बार लोग जो जब शास्त्र कह रहा है जो सब जगह से निकृष्ट है वो भगवान शिव स्वीकार कर सकते हैं हम नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते जैसे भगवान कृष्ण के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध आक्षेप होता है कि भगवान ने सोलह हजार एक सौ आठ रानियां थी और रासलीला की थी उनके सारे अन्य कर्तव्य जो उन्होंने किए महाभारत के युद्ध से लेकर श्रीमद भगवद गीता से लेके गोवर्धन उठाने से लेके ब्रह्म विमोहन लीला से लेकर अरिष्टासुर बकासुर शक्टासुर अघासुर इन सब के वध को छोड़ के खाली रास लीला और रानियों की संख्या गिनते हैं वैसे ही भगवान शिव के नाम पर एक आया है कि भगवान शिव के लिए भांग गाजा ये उनको चढ़ाया जा रहा है तो उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ये वास्तव में शास्त्र विरुद्ध है ये वास्तव में शास्त्र विरुद्ध है भगवान शिव ने विष पिया था हम विष पी सकते हैं भगवान शिव स्वीकार कर सकते हैं धतुरा पर अगर हम धतुरा खाएंगे तो कनक कनक सौ गुनी या खाए बोरा है नर वा पाए बोराये वहां पर कहा गया तो भगवान को शिव जी जो स्वीकार करते हैं वो हमारे स्वीकार करने की इसीलिए शास्त्र का महापुरुषों का अनुशरण हम उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं उन्होंने जो किया है उसका अनुकरण नहीं कर सकते तो इन बच्चनों को हमें स्मरण रखना चाहिए किसी को भी इसमें किसी भी प्रकार की आ, दुविधा लगे समझने में कोई कठिनाई लगे या किसी की इसमें कोई असहमति हो तो आप निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं श्लोक संख्या तीस में ब्रह्म ब्राह्मणा चूयम परि निंदुम विधारणम पुनष्याम अतः पाषंड भृगुनि ने आगे कहा चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है किसके लिए कहा उन्होंने नंदीश्वर के लिए कहा नंदीश्वर ने वहां पर सबको नास्तिक होने का श्राप दे दिया और वहां पर सभी जो उपस्थित थे, थे वो ब्राह्मण साधु सज्जन पुरुष थे तो मानवीय सभ्यता के परम स्रोत वेदों की निंदा भृगु मुनि ने कहा कि तुमने ऐसा करके उचित नहीं किया गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित ये जो मानवीय सभ्यता वर्ण आश्रम पर आधारित है वेद सही सही निर्देश देते हैं कि आत्म अनुशीलन और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ इंद्रिय तृप्ति का नियमन कैसे किया जाए और इन सब को एक तरफ कर दिया वेदों के इस कथन से भौतिक कलमस से छूटकर मनुष्य अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करे वेद वो मार्ग है जिससे लोग ये जान सकते हैं मनुष्य की उसे अग, ज, अपने जीवन में कैसे उठना है कैसे आगे की ओर जाना है तो शिल प्रभुपात लिखते हैं ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता तुल्य है और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण पिता तुल्य है तो यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिकता के स्तर पर गिर जाता है संस्कृत में नास्तिक शब्द जो प्रयोग हुआ है शिल प्रभुपात कहते हैं वो उस मनुष्य का द्योतक है जो वेदों में विश्वास नहीं करता धर्म की मनगणंत पद्धति का निर्माण करता है और बहुत ही कड़े शब्दों में श्री प्रभुपाद व्यक्त करते हैं कि महाप्रभु ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नास्तिक कहा क्योंकि उन्होंने वेदों की पद्धति को ही अस्वीकार कर दिया बाद में शंकराचार्य ने इस धर्म को भारत में रोका बौद्ध धर्म को और इसे देश के बाहर निकलने के लिए बाध्य किया तो ये जो वेदों का कथन है कि मनुष्य को अपने आप को ब्रह्म समझना चाहिए क्योंकि वह वास्तव इसलिए श्री प्रभुपात कहते हैं कि मुनि ने कहा ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे शाप से नास्तिक बनोगे तुम पहले से ही नास्तिक हो इसलिए तुम निंदनीय हो कौन जो इस प्रकार से वेद और ब्राह्मणों का उपहास कर रहा है अवहेलना कर रहा है तिरस्कार कर रहा है अवमानना कर रहा है तो नंदीश्वर ने श्राप दिए पहले भृगु ने वापस पुनः श्राप दिए अब नंदीश्वर क्योंकि नंदीश्वर शिव के अनुयायी के रूप में अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं तो भृगु कहते हैं जो शिव के अनुयायी होंगे वो ऐसे हो जाएंगे अर्थात वो नास्तिकता की कैटेगरी में आने लग जाएंगे तो क्या, क्या असत्य है क्या असत्य है ये हमें आगे पता चलता रहेगा पर यहाँ पर श्राप और प्रतिश्राप का क्रम चल रहा है श्लोक संख्या इकतीस में ऐस एव लोका शिव पंथ सनातन यम पूर्व चात संतस्तु यत प्रमाण जनार्दन वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं इसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेक्षु कहलाते हैं तो जब सृष्टि का संघार भी जब प्रलय आ जाती है तो भी वेदों की रक्षा की जाती है भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वो समस्त प्राण प्रकार के प्राणियों के जनक हैं और वेद क्या है वेद हमें वो मार्ग दे रहे हैं मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु जो शाश्वत विधान है वो प्रस्तुत कर रहे हैं स्वयं जनार्दन इसकी संस्तुति कर रहे हैं तो भृगु कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि वेदों की और वेदों का पालन करने वालों की निंदा की जाए देखा जाए तो नंदीश्वर ने भी वेदों के किस तत्व को कहा जो कि जो कि सकाम कर्म की बात करें यहां पर नंदीश्वर और भृगु एक ही हैं। पर क्रोध में जब श्राप और प्रतिश्राप का क्रम चलता है तो और वो विशेष रूप से जब विद्वत जनों के बीच में चलता है तो इसे भगवान की लीला मात्र समझना चाहिए भगवान जो आगे के युगों के अनुसार प्राणी मात्र के नियम वहन के लिए आवश्यक और अनावश्यक बिंदु थे उनका यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी छीर और नीर का अंतर स्पष्ट करवा रहे हैं तो ऐसे ऐसे आम, श्राप और प्रतिश्राप के क्रम में श्लोक संख्या 32 में तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतामवर्म सनातनं विगर्हयातपाशंडं देवं वो यत्र भूतराट ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सतपुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप हैं अरे भूतपति शिव के अनुयायियों तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे तो भृगु मुनि ने क्रोधवश इस प्रकार नास्तिकता के स्तर तक का अर्थ हुआ प्रेत तथा तमोगुण से युक्त लोग तुम लोग भूत कहलाओगे और शिव को यहाँ पर क्या कहा गया ऐसे प्राणियों का सरदार जो प्रकृति के निम्नतम गुणों से युक्त है भूतराट भूत का दूसरा अर्थ भी होता है शिला प्रत लिखते हैं कोई भी जन्मा जीव तो इस प्रकार मुनि का जो अभिप्राय है वो निकृष्ट प्राणियों के सरदार से है तो वास्तव में शिव जी का शिव जी को अशोभनीय वचन कह रहे हैं और उनके अनुयायियों को नास्तिकता के स्तर तक गिरने का श्राप दे रहे हैं तो अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के श्लोक संख्या तैतीस में मैत्री उसे भग इव ने कहा जब शिव जी के अनुयायियों तथा दक्ष एवं भृगुओं के पक्षधरों के बीच इस प्रकार शाप प्रतिशाप चल रहा था तो शिव जी अत्यंत खिन्न उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए तो महादेव के सर्वोत्कृष्ट चरित्र का यहां पर वर्णन हो रहा है दक्ष तथा शिव के पक्षधरों के मध्य शाप प्रतिशाप के बावजूद सच्चे वैष्णव सहिष्णु इतने गंभीर बने रहे कि वे एक शब्द भी ना बोले एक शब्द भी अत्युत्तम है वे खिन्न थे वे जानते थे कि उनके अनुयायी और दक्ष के समर्थक वृथा ही व्यर्थ में ही एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं उनकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं था वे परम वैष्णव है सुखदेव गोस्वामी ने स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में अंतर नहीं किया था जब वो माँ के गर्भ से निकलकर जंगल में निकल पड़े तो पास के सरोवर में स्नान करने वाली स्त्रियों ने अपने शरीर को आवृत्त नहीं किया वस्त्रों से पर जब सुखदेव के पिता स्वयं व्यासदेव वहां से गमन कर रहे थे तो लज्जावश स्त्रियों ने अपने शरीर को कपड़ों से ढांप लिया था और तब व्यास देव ने रुककर कहा कि पुत्रियों तुमने मेरे मेरे पुत्र को जाते देखकर इस मर्यादा का पालन नहीं किया और मेरे सामने ऐसा कहा उन्होंने कहा वो आत्म तत्व पर स्थित है वो हम सभी को स्मरण है मैंने इन सत्रों में भी कहा है कि सुखदेव गोस्वामी को इस भौतिक जगत की माया का स्पर्श भी नहीं था क्यों क्योंकि उन्होंने यही भगवान से वर रूप में प्राप्त किया था भगवान उनके समक्ष आए थे और कहे कि गर्भ से बाहर निकलो तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं गर्भ में ही ठीक हूं मुझे यहां आपके दर्शन हो रहे हैं बाहर आके तो आपकी बहिरंगा शक्ति माया मेरे ऊपर प्रभाव डाल देगी तब भगवान ने कहा था उस क्षण के उस भाग के लिए मैं माया को हटाता हूं और तुम बाहर आओ तो वो स्त्रियां सरोवर की उसी बात की यहाँ पर चर्चा करते हुए कहती है कि सुखदेव सबको समान आत्मस्तर पर देखते हैं आपके लिए हम स्त्रियां हैं, पुत्रियां हैं कन्याएं हैं इसलिए आपके साथ हमें सामाजिक मर्यादा का पालन करना पड़ रहा है तो शिला प्रभुपात कहते हैं शिव जी के लिए वो पंडित समदर्शिना थे पूर्ण रूपेण पंडित थे उनके लिए एकमात्र विकल्प यही बचा रह गया कि आपस में परस्पर श्राप देते एक दूसरे को रोकने के लिए वो उस स्थान से ही हट जाए दक्ष चले गए यदि वो चले जाए तो उन्हें लगा कि अब ये सब भी क्या करेंगे आपस में तो शाप प्रतिशाप तो लिए अब शांत हो जाएंगे तो आज के सत्र के दूसरे अंतिम श्लोक में श्लोक संख्या चौतीस में कह मैत्रेय मुनि ने कहा ते सहस्र परिवत्सरा संविधाय महेश्वास यत्रेजो हरी मैत्री मुनि ने आगे कहा हे विदुर इस प्रकार विश्व के सभी जन को प्रजापतियों ने एक हजार वर्ष तक यज्ञ किया क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही तो यज्ञ की की बताई गई दोनों के इस प्रकार चले जाने के पश्चात भगवान को प्रसन्न रखने में रुचि रखने करने वाले विश्व के धुरंधर पुरुष समस्त प्रजा के जनक प्रजापति यज्ञ को इस प्रकार से संपादित करने में लगे रहे तो जो एकत्र मुनि थे उन्होंने फिर भी उस यज्ञ को एक हजार वर्षो तक करते हुए उसको संपन्न किया है श्लोक संख्या पैंतीस इस अध्याय का और आज के सत्र का अंतिम श्लोक आपलुत्याभृम यत्र गंगा यमो नयान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्व स्व धाम हे धनुष बारदारी विदुर सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए तो मैत्रेय मुनि के इस वर्णन से ऐसा लगता है कि जैसे ही दक्ष गए तो अनेकों प्रकार के श्राप प्रतिश्राप का क्रम चला और जैसे ही महादेव निकल गए से, ये क्रम वहीं पर समाप्त हो गया मुनियों ने वहां स्थिर होकर एक हजार वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ को संपूर्ण किया तो दोनों के चले जाने से दक्ष और शिवजी दोनों के चले जाने से यज्ञ बंद नहीं हुआ परमेश्वर की प्रसन्नता को ध्यय रखते हुए उन्होंने इस यज्ञ को चालू रखा और अंततः मैत्रेय मुनि का कहना है कि कलियुग के लिए जो उल्लिखित है यहाँ पर शिल प्रोपात के शब्दों में यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस इसी श्रीमद् भागवतन के ग्यारहवें स्कंद के पांचवें अध्याय के बत्तीसवें श्लोक का उदाहरण देते हुए शिल प्रभुपात कहते हैं इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्तन द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है तो उस समय के लिए इस प्रकार हवन यज्ञ आवश्यक था कलिकाल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है पंक्ति में लिखते हैं क्योंकि जितनी बड़ी सूची होती है हमने कई राजाओं के महाराजाओं के नाम सुने हैं हुए शिवी हुए हरिश्चंद्र हुए यज्ञ करने से पूरा राज खाली हो जाता था तो कलयुग में पहले तो जो शास्त्र में वर्णित ये यज्ञ है उनको कर पाना संभव ही नहीं है उतनी शुद्ध सामग्री नहीं है द्रव्य नहीं है शुद्ध स्रोतों का सही ध्वनि के साथ सही परंपरा के साथ वाचन करने वाले वक्ता दुर्लभ हो गए हैं इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्तन द्वारा समस्त यज्ञों की पूर्ति करते हैं युग में तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके रूप देवता भी प्रसन्न होकर रहते हैं तो कलयुग में हरिनाम यज्ञ की संस्तुति है तत्कालीन समय के लिए उस एक हजार वर्ष तक चलने वाले युग को वाले युग में उस यज्ञ को मुनियों ने संपन्न किया है और उसी के साथ ही अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाएगा तो अध्याय दो यहाँ पर समाप्त होगा अध्याय अति विशेषकारी, रुचिपूर्ण है क्योंकि इसमें माता सती और भगवान शिव का संवाद है ये श्रीमद भागवतम में ही कथा नहीं है जो हम आगे किस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं ये श्री रामचरित मानस के बाल कांड में भी है तुलसीदास जी ने बहुत लंबा समय इस पर बालकांड का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये जहाँ पर सती और शिव का संवाद आएगा तो अगले अध्याय का नाम अध्याय तीन का नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद और श्री शिव तथा सती के इस संवाद में 25 श्लोक है तो हम लोग अगले सत्र में इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो इस तीसरे अध्याय के पश्चात स्कंधचार से हमारे कुल श्रवण किए हुए पठन किए हुए श्लोकों की संख्या एक हो जाएगी और कुल श्लोकों की संख्या दो हजार सात सौ तिरालीस इन श्लोकों की संख्या से क्योंकि जब जीवन का कुछ गोल होता है कुछ लक्ष्य होता है तभी हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं हम इन सत्रों को श्रवण और पठन कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि प्रतिदिन के इन सत्रों को श्रवण और पठन करने के पश्चात हम इस यात्रा में कहाँ तक पहुंचे हैं तो अट्ठारह हजार श्लोकों की इस यात्रा में दो हजार सात सौ तिरालीस श्लोकों तक की यात्रा संपूर्ण होगी अगले सत्र में भगवान भगवान शिव और माता सती के संवाद अध्याय में श्रवण करने के के पश्चात तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे शिल प्रोपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भागवत महापुराण की जय किसी भी प्रकार की क्योंकि आज का विषय आपत्तिजनक हो सकता है असहमति का कारण भी बन सकता है तो किसी भी प्रकार की असहमति के लिए आप व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां पर भी आप जुड़े अपनी सहमति और असहमति वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हमें सूचित करने में कोई भी आप संकोच ना करें शिल प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा